जनाब अखलाक है खान साहब, बस वक्त की तंगी, क्या कह जाए, सब लोगों को सुनना है। हमारे सतीश साहब ने और जनरल मंजीत हजर साहब ने भी शुरू की डाली, ऐसे हमारे इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन्होंने उठाया। कुछ कहने को ज़्यादा रह नहीं गया सिवाय इसके कि भाई हमारी हुकूमत जो है वो अभी तक क्यों फेल हो रही है। उनको या तो कानून बना देना चाहिए कि भाई ये है रिबा है, ये सूद है, इस्लामी निज़ाम में हमें क्या बनाना है, इस पर फैसला क्यों नहीं हुआ अभी तक, इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा हर जगह। हालांकि मैंने देखा, मैं हूँ, मेरे बेटे हैं और भी, कि हम लोगों ने इस्लामिक बैंक को कहा है कि भाई आप हम रखेंगे अपना अकाउंट वहाँ। बहुत सारे मल्टीनेशनल बैंक ने भी अपने अपने बैंकों में, जैसे स्टैंडर्ड चार्टर बैंक है या और भी, इन लोगों ने भी अपने इस्लामिक बैंक शुरू किया है, इस्लामिक बैंकिंग। अब क्या हम लोग उसको गलत समझते हैं और क्यों गलत समझते हैं? वही सारे कवानीन जो हमने इस्लामिक बैंकिंग में रखे हैं उसी पे बेस करता हुआ उनका भी है कि भाई हम इस्लामिक बैंकिंग में आप रखिए पैसे, हम आपको इंटरेस्ट इस लिहाज से नहीं देंगे, लेकिन जो फ़ायदा आएगा, जो मुनाफा होगा या जो हमें देना पड़ेगा उसमें हम शेयर करेंगे। तो इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयरिंग की बात हुई है ना, बेसिकली है क्या रिबा। इसमें भी यही है कि पहले ज़्यादा सोची थी रसूलुल्लाह के ज़माने में, तो हम लोग क्या करते थे, हमारे जो ताजिर बरादरी थे ये अपनी चीज़ें ले आते थे, बेचते थे, उससे जो फ़ायदा होता था, लॉस होता था, वो शेयर कर लेते थे, सीधी सीधी बात। अब क्या मसला है, अब क्यों नहीं हो सकता? अब भी हो सकता है, लेकिन पहले आपकी विलिंगनेस तो हो। आर यू विलिंग टू इन्वेस्ट ऑन दैट ग्राउंड? इसके लिए हम एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ रहे हैं? हमें क्या कबाहत है, क्या मसला है, हमारे क्या मसाइल हैं? मैंने उनसे भी एक दो मरतब बात की अपने तकी उस्मानी साहब से, लेकिन कोई पता नहीं, कोई जवाब हमें मुस्बत नहीं मिल रहा। हर शख्स कतराता है सही बात करते हुए, ये हमें हिम्मत नहीं है। इतने साल लग गए ना, क्यों 30 ईयर्स में होता है ये नहीं तय होगा, अब कौन सा वक्त आएगा। इसके ऊपर हम लोगों को सही मानों में, असल में देखिए, इसमें असल में बेचारे जो गरीब लोग हैं उनका तो इस पर ज़्यादा है नहीं कोई, क्योंकि वो तो खामोशी से बैठे हैं, देख रहे हैं दुनिया कहाँ जा रही है। वो हमारे लोगों को जो बैंकर हैं, जो फाइनेंशियल है इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी तरफ देखते हैं कि वो लोग क्या चाह रहे हैं। तो या तो हम इतने अहल नहीं हैं कि हम कोई फैसला नहीं करा सकते अपने लोगों से, अपनी हुकूमत में इतना दमखम नहीं है कि वो इसके ऊपर कोई फैसला कर सके। इसका जवाब तो मैं आप लोगों से चाहूँगा। हम तो खैरी साहब से कहेंगे कि खैरी साहब तो रह चुके हैं माशाल्लाह कमेटी में थे, लेकिन ये कि इसके ऊपर हतमी फैसला जो है ये क्यों नहीं होता है, हम किस चीज़ की गुलामी कर रहे हैं? और हमें भी खुशी होती है कि बाहर के जो फाइनेंस जो 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 फॉरेन बैंक्स हैं, दे हैव ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग द इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम। मेरा खुद बेटा था स्टैंडर्ड चार्टर में, मैंने उसने भी शुरू करा दिया, कहने लगा अबू हम क्यों नहीं कराएं? भाई ठीक है, हमको अच्छा लग रहा है, हम कर रहे हैं। हमने कहा करो, अच्छी बात है। तो ये असल में आपकी नियत के ऊपर है, आप नियत कर लीजिए, आप कर सकते हैं सब कुछ। बस बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सजीद अनवर मलिक साहब। बहुत शुक्रिया सर, आई विल ट्राई टू बी वेरी वेरी ब्रीफ। जो कुछ मैंने कहा है उसके जिस्ट मैं इसमें अर्ज़ कर दूंगा, करना चाहता हूं कि मुझे आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं कि चार जगह कुरान में आया है और सब जंग के लिए तैयार हो जाओ वगैरह सब ने कहा, लेकिन जैसा कि जनरल साहब ने कहा, हसीब भाई ने भी कहा, आई जनरली कंकर जो उन्होंने कहा है, लेकिन जहाँ पे एक्सटॉर्शन होगी वो मेरी समझ के मुताबिक और बहुत सारे लोगों ने, जहाँ एक्सटॉर्शन होगी
कॉस्ट ऑफ फंड लेने में वो रिबा है, जिसको अंग्रेज़ी में यूजरी कहा गया। यूजरी के लिए अगर टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग, आपको मैं दो तीन एग्जांपल दे देता हूँ, उस बिल्कुल साफ जाहिर हो जाएगा कि ये सूद की जिसको हम कहते हैं, क्या वो एक्सटॉर्शन के ज़ुमरे में आता है। और यूजरी के लिए अभी एक एग्जांपल छोटी सी थी कि मेरा एक स्वीपर था, वो एक दिन आया और आके बोले मुझे मार दिया, मुझे सूदखोरों ने मार दिया। और उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के लिए, उस शख्स ने बड़ी उम्र का स्वीपर था, अपनी बड़ी बेटी के लिए शादी के लिए 10,000 रुपये लिए थे। वो कहता जी मैं हर महीने 1,000-1,000 रुपये दे रहा था, साल भर हो गया। और ये कहते हैं जी ये असल ज़र जो है वो महफूज है, ये तो सूद था। हायर वैल्यू ऑफ रिटर्न इट इज़ एक्सटॉर्शन। और फिर उसने कहा कि अगर तुम अगली दफ़ा अगले महीने हमें नहीं दोगे तो हम तुम्हारी छोटी बेटी को लेके भाग जाएंगे, उसको बेच के अपना पैसा ले लेंगे। एक्सटॉर्शन थी, ज़बरदस्ती थी। उसके बाद उसने मुझे कहा कि मैंने अपनी छोटी बेटी को गुजरांवाले भेज दिया, वो वहाँ का रहने वाला था, और अभी मुझे कुछ बचाओ। मैं नेशनल बैंक में गया, उस ज़माने में मैं नेशनल बैंक का, आई एम टॉकिंग ऑफ 70s, वहाँ गया, उसके पास उसने उसको 10,000 रुपये दिए, उसके पैसे छूट गए। उसका वो एक साल में 7-8% लोन होता था, निकल गया। दूसरी तरफ, दूसरी एग्जांपल जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसको मैं ख़ास तौर पे जिक्र करूँगा, दो मिनट लूँगा इसके ऊपर। मेरे एक दोस्त हैं अनवर भाई, उनको अच्छी तरह जानते हैं, वो कैलिफोर्निया में थे, तो उन्होंने एक और पाकिस्तानी मुसलमान आए, उन्होंने कहा कि जी मेरा इतना अच्छा कारोबार है और मैं आपको 30% सालाना इसके ऊपर दूंगा, आप 1,00,000 रुपये में इन्वेस्ट कर दें। उन्होंने 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट किया, साल के आखिर में वो 30% नहीं दे सका, उन्होंने लिख के रखा हुआ था। वो उसके पास गए और उन्होंने कहा कि भाई तुम नहीं दे रहे हो, तुमने तो लिख के दिया हुआ है। उसने कहा जी इतना प्रॉफिट नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये तो बात तो तुम्हारी नीयत ही नहीं थी वगैरह वगैरह। वो चले गए एक वकील के पास, वकील ने कहा कि हमारे मुल्क का कानून यूजरी अलाउड नहीं करता। USA में फेडरल लॉ, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि जी हर स्टेट अपने अपने यूजरी लेवल को डिफाइन कर देगी। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, कैलिफोर्निया के अंदर मैक्सिमम 28% है, इससे ऊपर उसने कहा कि अभी जैसा कि उन्होंने फरमाया था, रिपोर्ट करने वाला भी अगर मैं इसको लिख भी लूँगा तो मुझे भी सज़ा हो जाएगी, आप ये कागजात लेके चले जाए, नहीं तो आपको सज़ा होगी, आपके पैसे भी हज़म हो जाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम 28%, आपने 30% लिखा हुआ है। उसके बाद मैंने कुछ गूगल किया, अमेरिका के अंदर एवरी लोन इज़ इंश्योर्ड, एक्सटॉर्शन नहीं होती वहाँ पर जो। और बिल्कुल, मैंने दो प्रेसिडेंट से, एक प्रेसिडेंट थे, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट थे बैंक के, मैंने कहा इस्लामी बैंकिंग जो हो रही है इसमें और कन्वेंशनल बैंकिंग में क्या फ़र्क है। उन्होंने कहा बिल्कुल, इट इज़ अ कॉस्ट ऑफ फंड्स, जो हम किसी से लेते हैं, जो उधार देते हैं तो उसके कॉस्ट ऑफ फंड लेते हैं, लेकिन यह है कि इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर हम 2% ज़्यादा लेते हैं। मैंने कहा 2% एक्स्ट्रा क्यों लेते हैं? बोलते हैं जी हमारे मुफ्ती साहब हैं, उनकी सारी टीम है, उनके पैसे भी तो हमने निकालने होते हैं, वो हर इस्लामिक लोन को वो देखते हैं, जज करते हैं, उनकी पे आप 15% लेंगे, उनको मिला के हम 17% आपसे लेंगे। मैंने कहा ये क्यों? उसने कहा जी फिर थोड़ा सा लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं तो कुछ हम भी एक्स्ट्रा बना लेते हैं, 1% हम एक्स्ट्रा लेते हैं और 1%। वेयर एज जब वो PLS बैंक में देते हैं, ये मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ, उसमें 0.5% कम था, और वो भी वही क्योंकि वहाँ पे एक मुफ्ती साहब बैठते थे, उनके एक्सपेंसेस उन्होंने निकालने होते थे, बड़ी ईमानदारी से वो निकाल लेते थे और उनको उसके कॉस्ट ऑफ फंड के वजह आपको जो इन्वेस्टर है उसको 0.5% कम मिल रहा है। वेयर एज कन्वेंशनल बैंकिंग में विच इज़ बिलो, मच बिलो एक्सटॉर्शन लेवल, मच बिलो, और हमने तो एक्सटॉर्शन लेवल को अभी तक किया नहीं, यूजरी के बिलो है और उसके मुताबिक वो नहीं कर रहे। अभी सारा का सारा मैंने लिख दिया था, अगर आप कहें तो मैं थोड़ा सा मैं कहूँगा कि देखें इसके अंदर
यूएसए के अंदर वहाँ पे हर स्टेट के अंदर मुख्तलिफ हैं, और जहाँ पे आप, लेकिन इसके ओवर एंड अब एक फेडरल लॉ भी है। उस फेडरल लॉ के अंदर जो पैसा बटोरने वाले हैं वो अगर एफआईए उनकी जो एफआईए के अंदर आ जाए, फेडरल एफबीआई एफबीआई के चढ़ जाए, जिसने बटोरने के लिए पैसे बटोरने के लिए किया हो ओवर एंड अबव यूजरी लेवल स्टेटेड इन दैट स्टेट, तो उसके पास आ जाए तो उसको लंबी कैद देते हैं। तो मेरे ख्याल के मुताबिक हमारे यहाँ अगर हमारे इस मुल्कों में कहीं है वो अमेरिका के अंदर कहते वो सूदी या नॉन सूदी नहीं कहते, लेकिन वो यूजरी कहते हैं, और इस यूजरी का रिबा का जो मतलब है वो यूजरी है, और यूजरी को कंट्रोल अगर कहीं मुल्क में किया हुआ है तो वहाँ पे बगैर कोई नाम नहीं लेते। और वैसे तो प्रोफेसर साहब के बेटे माशाल्लाह एक ब्रिटिश बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, इनको बैंकिंग के बारे में वहाँ भी बहुत इलम होगा जब आप लंदन जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी इस्लामिक बैंकिंग मुसलमानों को अट्रैक्ट करने के लिए किसी तरह से आ जाए, चलो जी हमारे पास आ जाएंगे, और वहाँ पे भी जहाँ इस्लाम का नाम लेके देते हैं 2% आपसे ज़्यादा ले लेते हैं। असल में एक्सटॉर्शन वो है कि इन द नेम ऑफ इस्लाम यू आर एक्सटॉर्टिंग द पर्सन जो कि आपको 2% दे रहे हैं, और अगर नहीं देंगे तो एग्जैक्टली आप उसी तरीके से अपने मॉर्गेज करते हैं। और ओवर एंड अबव अमेरिका के अंदर आप गूगल करके देख लें, जिस लोन को सिक्योर नहीं किया होता इंश्योरेंस से और वो आदमी लोन नहीं देता, तो हर साल मैंने खुद गूगल करके देखा था 50 से 60 बिलियन डॉलर, मिलियन नहीं बिलियन डॉलर हर साल कर्जे में माफ़ किए जाते हैं कि ये आदमी इस बैड लत उस आदमी नहीं, पाकिस्तान में भी करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो चोरी चिकारी होती है ना, लेके वापस नहीं करना होता, लेकिन वहाँ पे पूरी, और इट इज़ ऑल ड्यू टू द बैड ड्यू डिलिबरेशन। अगर आप लोन लेने से पहले ड्यू डिलिबरेशन ठीक नहीं की हुई तो वो साथ में लोन भी माफ़ होता है, और जिन्होंने ड्यू डिलिबरेशन की होती है उन सब के जॉब भी, और अगर पता लग जाए कि उन्होंने उनके साथ मिल के किया हुआ है तो उनकी जॉब भी, आपने देखा होगा उनको पकड़ के लेके तस्वीरें शस्वीरें टीवी पे आ रही होती हैं कि इस शख्स ने उनको उनके एक्सटॉर्शन में हिस्सा लिया था। इसलिए मेरा तो ये करना है, देखें अभी हम इसको फिका को बस लास्ट 1 मिनट सर, देखें हम लोग ये फिका में हमें 1150 में ये बताया था, मराबा मरा जो अरबी नाम बड़े अच्छे अच्छे नाम है, प्लीज़ डोंट फील ऑफेंडेड, लेकिन 1100 के अंदर देयर वाज नो बैंक ओवर देयर, बैंकिंग कॉन्सेप्ट आया था 16वीं सदी में, जबकि उस वक्त कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो उसको आप कैसे अभी फॉलो कर सकते हैं एग्जैक्टली जैसे वहाँ था। आप अगर आप दरस निज़ामी के मुताबिक करना चाहते हैं तो दरस निज़ामी को मैं बच गया था, मैं जाना था दरस निज़ामी में मदरसे में दाखिल हो रहा था, तो उस वक्त उसके सिलेबस में 4 अंसर थे, आग पानी मिट्टी हवा, अभी चेंज हो गया, अभी मदारस में भी कुछ साइंस पढ़ाने शुरू कर दिए, और उस वक्त मैंने जो पढ़े थे बाकी स्कूल में आके तो 78 एलिमेंट्स थे, जो कि अभी 122 हो गए हैं, 96 थे अभी 100। अगर आपने यही करना तो फिर कीमिया भी पढ़ें उसी की, और आग पानी मिट्टी हवा करते रहें, फिर आप उसी तरीके से इलाज भी करें, कोई ऑपरेशन ना करें, कोई इस तरह कहता है पैथोलॉजिकल टेस्ट ना कराएं, उसी दुनिया में रहें, आप घोड़े पे जाया करें हज करने के लिए, ऊँटों पे हज करने के लिए जाया करें, नो, अगर इफ़ वी कैन अडॉप्ट दैट टेक्नोलॉजी इन अदर। थैंक यू वेरी मच।